लाइन आपसे करना चाहूंगी, दो पंक्तियां जो बहुत ही सुंदर थी हैं। अंधेरा सही है मेरी दुनिया में, लेकिन कहीं चांदनी का बसेरा तो होगा। अंधेरा सही है मेरी दुनिया में, लेकिन कहीं चांदनी का बसेरा तो होगा। जरा देखो अंधेरी राहों से आगे चमकता हुआ कहीं सवेरा तो होगा। सुना है कि सितारों की आगे जहां है इनमें कोई चांद मेरा तो होगा। ऐसी आशा पर सूखते हैं ये दरिया, कहीं कोई बादल हनेरा तो होगा, कहीं कोई बादल हनेरा तो होगा। वहां पर दीप जलाए, ये दीप ये सूचक है कि हम सबको मिल करके अपने ही अपने क्षेत्र में एक एक ज्योति जलाने की आवश्यकता है, जिससे जो असहाय अपने आप को महसूस करते हैं उनके मन में एक भावना आए, उन्हें लगे कि हमारे साथ अगर हमारे साथ कुछ गलतियां होती है तो मदद करने वालों की तो पूरी फौज है, आज हम अकेले नहीं है, कोई हमें तंग करता है तो हम मिल के इसे दूर करेंगे, वो आगे आ पाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका सहयोग मिले, हम सब मिल करके एक अच्छी समाज का निर्माण कर सके, इन्हीं विश्वास के साथ आए हुए सभी सम्मानित आगंतुकों के प्रति और विशेषकर शक्ति वाहिनी जिन्होंने ये आयोजन को रखा है उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, सम्मानित आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मंत्री नीरा यादव जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदिवासी कवित्री ज्योति लखन की चार पंक्तियां हैं। दिखाए जाते हैं उन्हें रत्न जड़ित सपने, दिखाए जाते हैं उन्हें रत्न जड़ित सपने जैसे फसिंगे को रोशनी, और शिक्षा की रोशनी से इस स्थिति को बदलने की इन्होंने बात की। हम अभी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उराव को आमंत्रित करते हैं क्योंकि जनसंख्या चाइल्ड लेबर एक्ट पहले बना था, लेकिन ये जितने हैं जैसे
के मार्फत से हम रोक सकते हैं तस्करी को, मानव तस्करी को, ये बात है। लेकिन कानून से कुछ नहीं होता, वो किताबों की शोभा बढ़ाती पढ़ाते हैं, उसका तभी उससे फायदा होता है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन और पुलिस एक संस्था है जो इम्प्लीमेंट कर। लेकिन सर ये है कि पुलिस को सेंसिटिव होना पड़ेगा, और सब मेनी ऑफ द ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स लैक दिस क्वालिटी ऑफिसर्स।